हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन इन्वायरमेंटल साइंस दोस्तों आज हम एयर पॉल्यूशन के टॉपिक से गौशन प्लूम मॉडल के लास्ट ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों यह क्वेश्चन जून 2019 में पूछा गया था और इससे पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में भी गौशन प्लूम के न्यूमेरिकल आते रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे चैनल की ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें अ थर्मल पावर प्लांट एमिट्स एसो टू एट द रेट ऑफ फाइव हंड्रेड इंटू टेन टू पावर एट माइक्रोग्राम पर सेकेंड इट्स स्टैक हाइट हैज़ एन अफेक्टिव हाइट ऑफ टू हंड्रेड मीटर वेयर विंड स्पीड इज फाइव मीटर पर सेकेंड इफ़ द हॉर्जेंटल एंड वर्टिकल डिप्रेशन कोफिशेंट आर फो हंड्रेड मीटर एंड टू हंड्रेड मीटर रेस्पेक्टिवलीउनविंड कंसनट्रेशन ऑफ एसो टू एट द डिस्टेंस ऑफ टू किलोमीटर विल बी तो इसमें हमें चार ऑप्शन दिए थे तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या फॉर्मुला यूज हुआ और इसका आंसर क्या होगा तो दोस्तों जो इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा वो हमारा यूज़ होगा सेंट्रल लाइन ग्राउंड लेवल कंसनट्रेशन के कॉन्सेप्ट वाला फॉमुला इसमें यूज़ होगा तो दोस्तों हमें क्या निकालना है डाउन विंड कंसनट्रेशन निकालनी है तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो सी इजल टू एक्स जीरो यानी कि हमारा जो मोलिकुलर डिफ्यूज़न है वह है जीरो है वाई और जेड डायरेक्शन में तो जो फॉर्मूला हमारा होगा ये हमारा फार्मूला डाउन विंड कंसनट्रेशन के लिए फॉमूला होगा वो आप ये नोट डाउन कर लीजिए और इस फॉर्मूले को आप याद रखिए तो सी सी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय पाई यू सिग्मा वाई सिग्मा जेड एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाय टू सिग्मा जेड का स्क्वायर तो दोस्तों इसमें जो हमारा क्यू है क्यू हमारा क्या एमिशन रेट है जो माइक्रोग्राम पर सेकेंड में और जो हमें क्वेश्चन में गी है फाइव हंड्रेड इंटू टेन टू पावर एट माइक्रोग्राम पर सेकेंड सिग्मा वाई सिग्मा जेड सिग्मा वाई हमारा क्या है हॉरिजेंटल डिस्पर्जेंट कोफिशेंट है जो हमारा है 400 मीटर और सिग्मा जेड हमारा है जो वर्टिकल डिस्पर्जन कोफिशेंट है जो हमारा टू मीटर है यू हमारी है वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन दैट इज़ फाइव मीटर पर सेकेंड और जो एच एम एम है हमारा इफेक्टिव हाइट ऑफ स्टैक है दैट इज़ 200 मीटर ये हमें सब गिवन है क्वेश्चन में तो हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले में तो जब हम फॉर्मूले को फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा जो एक्सप्रेशन हमारा आएगा वो आएगा टेन टू पावर सिक्स डिवाइड बाय पाई इंटू एट एक्सपोनेंशियल पॉइंट फाइव तो दोस्तों आपको देख पता है कि पेपर में हमें एक्सपोनेंशियल की वैल्यू गिवन नहीं होती ना ही हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको एक्सपोनेंशियल की पॉइंट फाइव की वैल्यू याद होनी चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो एक्सपेन्सल पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट फाइव की जो वैल्यू होती है वो होती है सी जीरो पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितनी भी एक्सपेन्सल की वैल्यू है वन से लेकर टेन और माइनस वन से लेकर माइनस टेन तक की वैल्यू आप बीच की वैल्यू याद कर लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू जो होती है जो बार बार रिपीट होती है तो आप ये याद रखेंगे तो आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो जो हम सॉल्व करेंगे आंसर जो हमारा है टू फोर वन टू फोर पॉइंट टू जीरो माइक्रोग्राम पर मीटर के तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जो हमारा आंसर आया है वो मैच नहीं कर रहा है हमारे ऑप्शन में तो दोस्तों ये आंसर जो हमारा आया है बिल्कुल सही है ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है एन टी ए में इसका आंसर ऑप्शन जो हमारा है गलत दिया था अगर हम अगर हमें एन टी के क्वेश्चन पेपर में फाइव हंड्रेड जगह फाइव दिया होता तो हमारा जो आंसर है वो मैच करता है क्या पता क्वेश्चन पेपर बनाते हुए उसमें टाइपिंग एरर हो सकती है तो दोस्तों हम ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे जो गौशन प्लू मॉडल है उसमें हमारे एजम्सन क्या क्या लिए जाते हैं तो आप मुझे एजम्सन जो गौशन प्लू मॉडल में कंसिडर किए जाते हैं आप उसको कमेंट के बताएं और अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर ये भी बताएं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने देखने के लिए और लाइक करना ना भूलें वीडियो